हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज बॉक्स ऑफिस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अक्षय कुमार का रक्षा बंधन मूवी का टोटल 5 डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप पर हमारा पूरा उम्मीद है इस वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। आप हमारा चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो में कर दो लाइक। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्षय कुमार की आज 15 अगस्त से लगभग 600 शोज काम कर दिया गया है, जिनमें से ज़्यादा कार्तिका 2 का हिंदी भाषण को मिलने के उम्मीद है। दोस्तों, मूवी की ऑक्युपेंसी ऐसे नहीं है जैसे छुट्टियों पे मिलने चाहिए। रक्षा बंधन मूवी है कॉमेडी फैमिली ड्रामा टाइप का मूवी। स्टार कास्ट की बात करें तो मूवी आपको लेड रोल में देखने को मिल जाएगा अक्षय कुमार सर को। दोस्तों, बजट के बारे में बात करें तो मूवी का बजट है 70 का। दोस्तों, ये मूवी हिंदी लैंग्वेज पे रिलीज किया गया है। रक्षा बंधन मूवी के स्क्रीन काउंट के बारे में बात करते हैं, मूवी इंडिया में लगभग 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया का बाहर मूवी स्क्रीन मिला है 800 स्क्रीन, यानी कि मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड स्क्रीन मिला है 3000 स्क्रीन। दोस्तों, ये मूवी आज बॉक्स ऑफिस पे 5 डे हो चुका है। तो आज ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे 5 डे में इंडिया नेट कलेक्शन किया है 6 करोड़ 50 लाख, जिसका ग्रोस कलेक्शन हो जाता है 5 डे का 7 करोड़ 10 लाख। दोस्तों, ये मूवी का टोटल 5 डे इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 34 करोड़ 50 लाख, जिसका ग्रोस कलेक्शन हो जाता है 38 करोड़ 80 लाख। दोस्तों, ये मूवी टोटल 5 डे ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया का बाहर से कलेक्शन किया है 6 करोड़ 10 लाख। दोस्तों, ये मूवी टोटल 5 डे इंडिया ग्रोस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन मिला के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 45 करोड़। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, मूवी बॉक्स ऑफिस पे होगा हिट और फ्लॉप, और क्या ब्लॉकबस्टर हो सकता है?